भाई जी जो आज गाड़ी चला रहे हैं, हेलो कर दो। हाँ, तो आप पूरी रात गाड़ी चलाते हो तो आपको थकान नहीं लगती? सैल्यूट आप सबको। टोकन का? अच्छा अच्छा वहाँ से टोकन। यहाँ पे टोकन सिस्टम है। पनीर, दाल फ्राई, कड़ी, लहसुन चटनी, दही, राबड़ी, खाद, अच्छा पहले टोकन लेना पड़ता है वहाँ से, फिर इधर जाके खाना मिलता है। अच्छा, कितने कितने प्लेट है? भर पेट खाना। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद आपसे बढ़िया होंगे। तो अभी मैं हूँ बीकानेर सूरतगढ़ राजमार्ग पे, और यहाँ पे एक ढाबे पे रुके हैं। और ढाबा जो कि इतना बढ़िया है राजस्थान में, जो कि बिल्कुल चार पाई बिछा के, जैसे कि पंजाब में ढाबे होते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं कभी भी ऐसे ढाबे पे नहीं गया जहाँ पे चार पाई पे बिठा के खाना खिलाते हैं। तो अभी मैंने देखा ये वाला ढाबा जहाँ पे चार पाई पे बैठ के खाना खिला रहे हैं। सो मैंने सोचा कि इसका भी एक ब्लॉग बना लेते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है ऐसे ढाबे पे खाना खाने का। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे खाना खाने, क्योंकि बस रुकी है ओनली 25 मिनट के लिए। तो चलते हैं, फिर यहाँ पे खाते हैं खाना और अपना डिनर करते हैं कंप्लीट, और आपको भी दिखाते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि ऐसे ढाबे पे खाना खाने के लिए। पूरा पंजाबी स्टाइल में यहाँ पे चार पाई लगा के खाना खिलाया जाता है। तो लेट्स गो, चलते हैं डिनर करते हैं। अपनी बस RJ07BB1287 जम्मू जोधपुर जम्मू, तो चलते हैं फिर। देखिए भाई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चार भाई पे खाना खिलाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे ऑप्शनल है, आप कुर्सी पे बैठ के भी खाना खा सकते हो, कुर्सी टेबल पे, और चार भाई पे भी खा सकते हो। और ये है पीछे पूरा ढाबा, एंड ये देख सकते हो आप, बिल्कुल उन्होंने अपने बर्तन वगैरह रखे हैं खाना डाल के। एंड ये लगी रहा थोड़ा हमारा, ये वाला स्लीपर है K&L वाला, ये वाला सेकेंड लास्ट, और ये है कुछ इस प्रकार से बस पूरी। तो चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या मेन्यू है खाने पीने वाला, कराते हैं अपना ऑर्डर, और 25 मिनट में खाना खा के चलते हैं यहाँ से। बताता हूँ आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे खाना खाने का। शुद्ध शाकाहारी भोजन, 24 घंटे सेवा उपलब्ध, तेजल तपदारी होटल एंड रेस्टोरेंट देशनोक वाले, आप CCTV कैमरे की निगरानी में हैं। यहाँ पे है लंच, डिनर, ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एंड ये है कुछ इस प्रकार का एरिया है। यहाँ पे भाई साहब कुआं भी है जो कि फुल पानी से भरा हुआ है। पनीर, दाल फ्राई, कड़ी, लहसुन चटनी, दही, राबड़ी, खाद, लस्सी सब मिलेगा आपको। अच्छा, कितने कितने की प्लेट है? 120 रुपये भर पेट खाना। भर पेट खाना। मटर पनीर की हाफ फुल प्लेट कितने की? 100 रुपये। चावल के साथ? चावल क्या मिलेगा, सिर्फ मटर पनीर? मिक्स सब्जी है क्या? हरी सब्जी है, केड़ी क्या? भाई साहब बस रुकेगी ना अभी इधर। टोकन का? अच्छा अच्छा वहाँ से टोकन। यहाँ पे टोकन सिस्टम है, पहले टोकन लेना पड़ता है वहाँ से, फिर इधर जाके खाना मिलता है। टोकन लेने पड़ते हैं पहले, फिर उधर जाके खाना मिलता है। तो भैया कितने कितने वाला टोकन है ये? 120 खाने का है, 200 रुपये चाहिए। 120 का भरपेट खाना, ठीक है। थाली में मटर पनीर भी है, दाल फ्राई भी है, कड़ी भी है। 260 ये हमने ले लिए हैं, चार टोकन, दो चाय के हैं और दो खाने के हैं, भरपेट खाना 120 में मतलब। तो ये टोकन हम उधर दिखाएंगे और फिर हमें खाना मिल जाएगा। लगा दो बढ़िया बढ़िया खाना भाई, जल्दी करना ठीक है, बस चल पड़ेगी नहीं तो। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। ये लगा रहे हैं भाई सलाद, नहीं मैं चार पे बैठूँ। सो ये लग रहा है हमारा खाना, ये आ गया पनीर, सो देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, तो अभी खा के देखते हैं। कड़ी है और ये दाल है, और साथ में चपाती और साथ में प्याज, 120 की प्लेट। कम है, नमक डाल लेता हूँ। ओ देखिए अंदर बन रहा है खाना गर्मा गर्म। मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि किसी होटल में ऐसे चार पाई भी बैठ के ऐसे बिल्कुल मज़े से खाना खा रहा हूँ।
वैसे घर पे तो काफ़ी बार चार पाँच बजे बैठ के खाया है, बट यहाँ पे होटल से जा रहा मैं, आपको पता ही हमारे जम्मू में कैसे होटल्स होते हैं टेबल कुर्सी वाले, बट पंजाब में काफ़ी सारे होटल्स ऐसे होते हैं। तो आज देखते हैं यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है, यहाँ पे खाना खा के तो जल्दी जल्दी खाना करते हैं। ये इन्होंने अभी अचार भी डाल दिया। हमारी बस सिर्फ 20 मिनट के लिए रुकी है, 10 मिनट तो हमने खाना लगवाते लगा दिया। और ये देखिए बिल्कुल भाई। बहुत ही बढ़िया खाना था यहाँ पे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा चार पाई पे बैठ के खाना खाने का। और अभी हमने खाना वाना पूरा खा लिया, अभी सिर्फ हमने पीनी है यहाँ पे चाय, और बस अभी चलने वाली है। पैसेंजर सारे बोर्ड हो गए हैं बस में, अभी हम बस यहाँ से चाय लेंगे और हम चल पड़ेंगे। और पैसे वैसे हमने करवा दिए, काफ़ी टेस्टी खाना था यहाँ पे। थैंक यू भैया। हो गया फ्लाई करने के लिए, और अभी हम भी चलते हैं, खाना वाना पूरा खा लिया हमने। एंड ये था ढाबा जहाँ से हमने खाया खाना, अभी हम जा रहे हैं। हाँ हाँ बैठ गए हैं। तो अभी हमने चाय डलवाई डिस्पोजल में, क्योंकि बस हमारी चलने वाली है, स्टार्ट हो गई है पूरी। और आपको कैसा लगा ये ढाबा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी हम बैठते हैं बस में। भाई जी जो आज गाड़ी चला रहे हैं, हेलो कर दो। हाय, तो आप पूरी रात गाड़ी चलाते हो तो आपको थकान नहीं लगती? नहीं लगती। सैल्यूट आप सबको। ठीक है फिर चलते हैं हम स्लीप करना। तो अभी खाना वाना खा लिया हमने, चाय वाय भी पी ली मेरी, तो मैंने तो आधी पी चाय आधी फेंक दी है। तो कैसा लगा आपको ये ढाबा कमेंट करके जरूर बताना। और अभी हम करते हैं अपनी जर्नी, और साथ में ये व्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रैवल व्लॉग मैंने ऑलरेडी बना दिया आते टाइम, और वो भी मैं डाल ही दूंगा तो आप देख लेना उसको भी। सो अभी बस पूरी स्पीड में चल रही है। सो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।